नमस्कार दोस्तों, वर्धमान जेटर में आपका स्वागत है। लेके आ गया हूँ टाटा का धमाका। जी हाँ दोस्तों, 45 केवी सिंगल फेज का जेनसेट जो कि बिल्कुल शोरूम कंडीशन हम लोगों को रेडी कर दिया है। इसमें टाटा 709 का टर्बोचार्ज इंजन लगा हुआ 56 बीएचपी का, जिसमें चारों स्लीव है, चारों पिस्टन, मेन बिगिन सीआर, पूरा इंजन का एक नंबर का ओवरऑलिंग का काम किया हुआ दोस्तों। बहुत ही शानदार इंजन है और इसमें ब्रांड न्यू फुल कॉपर बाइंडिंग का एवीआर वाला ऑल्टरनेटर लगा हुआ दोस्तों, 45 केवी सिंगल फेस का। अभी मैं आपको 100% मोटर लोड डाल के दिखाने वाला हूँ, उसके बाद शोरूम कंडीशन में रेडी करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत जरूर दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देख सकते हो दोस्तों, मोटर लोड डालने की पूरी तैयारी है। ये संजय कुमार जी है जो कि टाटीबन रायपुर से, जिन्होंने हमसे परचेज किया है। ये टर्बो इंजन है दोस्तों, 56 बीएचपी का, बहुत ही शानदार इंजन होता है दोस्तों, 100% लोड रहता है। जनरेटर का जेनुइन इंजन है दोस्तों, गाड़ी का इंजन नहीं लगाते हम लोग, जनरेटर का जेनुइन इंजन लगाते हैं। जब भी परफॉर्मेंस एक नंबर की आती है, पूरा एक नंबर का काम करके पूरा जेनसेट ये रेडी कर दिया दोस्तों। रायपुर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी आपको 100% लोड डालेंगे, साथ के साथ फ्रीक्वेंसी भी दिखाएंगे दोस्तों। मार्केट में लोग लोड जरूर डालते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी कोई भी नहीं दिखाता। चलिए दोस्तों, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं और आपको लोड डाल के दिखाते हैं। और ये हाफ चैनल में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, किसी टाइप का कोई धुआं नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। देख दूसरे देखे लगे ना, इधर चल भी रहा है दोस्तों। ऑयल प्रेशर भी देख सकते हैं दोस्तों, 5.5 kg के आसपास इसका ऑयल प्रेशर है दोस्तों। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में इंजन ही बन चुका है दोस्तों, पूरा इंजन का फुल ओवरऑलिंग का काम किया है। जब भी ऑयल प्रेशर वगैरह पूरा एक नंबर का आता है दोस्तों, मार्केट में लोग पुराने इंजनों को ऐसे कैसे लगा देते हैं, सर्विस भी नहीं करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो होती है दोस्तों। डीसी भी देख सकते हैं दोस्तों, 3 के आसपास इसकी डीसी है। वोल्टेज भी आपको चेक करा देते हैं दोस्तों, सिंगल फेस का जेनसेट है ये। वोल्टेज भी आप देख सकते हो दोस्तों, 233-234 के आसपास वोल्टेज है। लोड डालने पर दोस्तों वोल्टेज बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, इस ऑल्टरनेटर की एक खासियत होती है, जब बेस आता है तो वोल्टेज बढ़ जाते हैं, घटते नहीं है। देख सकते हैं वाटर लोड डालने की पूरी तैयारी है। 51.5 फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने सेट कर दिया है। अभी आपको 100% लोड डाल के दिखाएंगे, साथ के साथ मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देख सकते हैं लोड डालना चालू हो चुका है, करीब 25-30 एम्पीयर लोड आ चुका है। बिल्कुल शेर की तरह इंजन दौड़ रहा है, बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा दोस्तों। देख सकते हैं क्वालिटी आप, बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार जनरेटर है दोस्तों ये। लोड लेने में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, 100% लोड पे 4 से 5 लीटर डीजल खाता है ये। देख सकते हैं दोस्तों, 80 एम्पीयर के आसपास लोड आ चुका है, बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, किसी टाइप का कोई धुआं नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं दोस्तों। बहुत ही शानदार जनरेटर दोस्तों, लोड लेने में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। 115-120 एम्पीयर लोड आ चुका है और बिल्कुल भी नहीं दब रहा इंजन दोस्तों। शेर की तरह इंजन दारा, फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं 50 के ऊपर मेंटेन है, लोड का पता ही चल रहा है जनरेटर के ऊपर दोस्तों। देख सकते हैं इसे कहते हैं क्वालिटी, इसे कहते हैं काम। 125-130 एम्पीयर लोड आ चुका है और बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी नहीं दब रही दोस्तों। देख सकते हैं 50 की 50 मेंटेन है, पूरा वाटर लोड डाला हुआ दोस्तों। बहुत हैवी ड्यूटी शॉर्ट सर्किट लोड होता है दोस्तों, देख सकते हैं 18 के आसपास डीसी आ रही है इसको, 130 एम्पीयर लोड पे। अभी और लोड डालेंगे दोस्तों इसके ऊपर, देख सकते हैं दोस्तों और भी लोड डालना चालू हो रहा है। 122-123 एम्पीयर लोड आ चुका है, 124-125 दोस्तों। लोड लेने में बिल्कुल दबता ही नहीं है इंजन, इतना बेहतरीन इंजन है ये टाटा 709 का। लोड लेने में इसका कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों, अच्छे अच्छे इंजनों को फेल करता है। 140 एम्पीयर लोड चल रहा है दोस्तों और फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, देख सकते हैं आप परफॉर्मेंस आपके सामने, बिल्कुल भी धुआं नहीं। 140 एम्पीयर वाटर लोड चल रहा है और हर एंड पे बिल्कुल ब्रांड न्यू जेनसेट बन चुका है। सिर्फ आपका एक लाइव जरूर बनता है दोस्तों, लाइव जरूर करें। ऑयल प्रेशर भी देख सकते हैं दोस्तों, 5.5 का 5 मेंटेन है, बिल्कुल भी ऑयल प्रेशर भी नहीं गिरा है। 100% लोड पर डीसी भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 20 के आसपास इसकी डीसी आ रही है दोस्तों। बहुत ही शानदार जेनसेट ये रेडी हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है। अब इसे लोड हटाएंगे, लोड हटा के इसे बंद करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन हम लोग चालू रेडी कर देंगे दोस्तों। देख सकते हैं 49.6 फ्रीक्वेंसी है, 140-142 एम्पीयर लोड चल रहा है और धुएं का नामो निशान नहीं है दोस्तों। क्वालिटी हर एंड पे मिलेगी आपको, देख सकते हैं बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, कंटिन्यूस लोड डाला हुआ है। अब ये लोड हटा के इसे बंद करेंगे दोस्तों और जनरेटर बंद हो चुका है दोस्तों। अब इसे अच्छी तरह प्राइमर करके, प्रॉपर पेंट करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रेडी कर देंगे और रेडी करने के बाद इसको हम रायपुर के लिए रवाना करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं पूरा जेनसेट ये रेडी है, अब इसको पेंट करते हैं दोस्तों, पेंट करके दिखाते हैं आपको। और पूरा जेनसेट शोरूम कंडीशन में रेडी हो चुका है दोस्तों। इसका प्राइस जानने के लिए मैं आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9899707888 और 9810325300 नंबर पर। कॉल करने का समय सुबह 11 शाम को 6 बजे तक का, संडे हमारा उपवास रहता है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जनरेटर रेडी हो चुका है, बिल्कुल हैवी ड्यूटी 45 kV सिंगल फेस का टाटा का धमाका दोस्तों। देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने 60 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया डबल क्लैंप के साथ में। इसका फ्यूल इनलेट है, डीजल डाला जाएगा दोस्तों। इसका कंट्रोल पैनल है जिसमें एक VF लगा है, जो वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी, घंटे, 5 चीज़ें आपको बताता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन पैनल है। टेम्परेचर मीटर है, एम्पियर मीटर है, DC इंडिकेटर है, चाबी स्विच है और AC इंडिकेटर है। बहुत ही बेहतरीन पैनल है जो कस्टमर की डिमांड पर हम लोगों ने लगाया। स्टॉपर है इसका जिससे जनरेटर बंद होगा खींचने से दोस्तों। देख सकते हैं आप दोस्तों, 6 पहिए का हैवी ड्यूटी हम लोगों ने बेस लगाया है इसमें, ताकि जनरेटर को चढ़ाने उतारने में बिल्कुल भी दिक्कत ना है। टाटा का 709 का टर्बो इंजन लगा हुआ है जिसका फुल ओवरऑलिंग का काम करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन हम लोगों ने रेडी कर दिया। इसका टर्बो है दोस्तों जिससे 100% लोड लेता है दोस्तों। ये ब्रांड न्यू एयर फिल्टर लगाया हम लोगों ने इसके अंदर।
ब्रांड न्यू इसमें ऑल्टेट लगाया, फुल कॉपर बाइंडिंग है एबीआर वाला, इसमें बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी आपको 45 kVA का, सारे हाइड्रोलिक के डीजल के पाइप लगे हुए दोस्तों देख सकते हैं। बहुत ही हैवी ड्यूटी रेडिएटर लगाया 62.5 kVA वाला दोस्तों, बैंको जाली का, जिसकी प्रॉपर हम लोगों ने सपोर्ट भी बनाई है, कूलेंट भी हम डाल के देते हैं दोस्तों देख सकते हैं, ये प्रॉपर सपोर्ट बनाई है ताकि बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना हो, चढ़ाने उतारने में दिक्कत ना, देख सकते हैं कितना बड़ा रेडिएटर है। मार्केट में लोग छोटे छोटे रेडिएटर लगा के 25 kVA वाले और जनरेटरों को बेचे जा रहे हैं जो टेम्परेचर पकड़ते हैं, गर्म होते हैं, जेन्युइन इसमें बेल्ट लगा हुआ है, सारे हॉर्स पावर वगैरह ब्रांड न्यू मिलेंगे आपको। ये सेल्फ अल्टरनेटर है, इसकी भी हम लोग प्रॉपर सर्विस कराते हैं, इधर भी सपोर्ट है, इसका टर्बो है दोस्तों, इसका भी पूरा काम किया जाता है, सारे हॉर्स पावर वगैरह आपको ब्रांड न्यू मिलेंगे दोस्तों, कंपनी के जेन्युइन हैवी ड्यूटी बैटरी के लीडर लगाई है, हैवी ड्यूटी वायरिंग मिलेगी आपको इसके अंदर, सेल्फ की भी प्रॉपर सर्विस कराई जाती है। ये इसका बैटरी का स्टैंड है, इसमें बैटरी रखी जाएगी दोस्तों, इंडस्ट्रियल साइलेंसर लगा हुआ है इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं आप। इसका फ्यूल गेज है जो बताएगा टंकी में कितना डीजल है दोस्तों, आसानी से आप देख पाएंगे। इसके आउटपुट के वायर भी हम लोगों ने निकाले हैं, जिसमें आप आउटपुट के वायर जोड़ के अपना लोड लेंगे। अभी मैं आपको स्टार्ट करके फिर लोड डाल के भी दिखाता हूं दोस्तों। बहुत से लोग हमारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए दोस्तों, तो ऐसे नक्कालों से बच कर, खासकर यूपी और एमपी के लोगों से दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और ये हाफ सेल्फ जेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों देख सकते हैं, किसी टाइप की कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है देख सकते हैं, जीरो वाइब्रेशन सेट है, ना कोई धुआं ना कोई वाइब्रेशन। इसे रख दो और नए जेनरेटर को रख दो दोस्तों, परफॉर्मेंस में आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, और नाम का ही पुराना है दोस्तों, केवल इंजन का ढांचा पुराना रह गया दोस्तों, सारा कुछ ही नया लगा हुआ, रेडिएटर नया, ऑल्टरनेटर नया, इंजन के सारे पार्ट्स नए, फैन बेल्ट नए, हॉर्स पाइप नए, पूरा एक नंबर का काम करके शोरूम कंडीशन में जेनरेटर रेडी हो गया दोस्तों देख सकते हैं, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है, हर एंड पे आपको क्वालिटी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हम लोग पूरे इंजन का एक नंबर का काम करते हैं जब भी इंजन चलते हैं दोस्तों। पुराने इंजन होते हैं अगर हम काम करेंगे नहीं तो दोस्तों चलेंगे नहीं, मार्केट में लोग जेन्युइन है सील्ड है कह के लोगों को गिफ्ट को बनाते हैं, 25 kVA को 40 kVA बेच रहे हैं, 40 kVA को 62 kVA बेच रहे हैं, लोगों को चूना लगा रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे लोगों से बच के रहे, देख सकते हैं सारे मीटरों में लाइट जल चुकी है, सारे पैरामीटर इस पैनल पर आप आसानी से देख पाएंगे दोस्तों, एसी इंडिकेटर भी जल चुका है दोस्तों देख सकते हैं आप, हर एंड पर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी दोस्तों एक नंबर की, क्वालिटी का कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्तों, पूरा काम एक नंबर का करते हैं। इसे बंद करेंगे दोस्तों, खींच के बंद हो जाएगा, और ये जेनसेट बंद हो चुका है, पैनल को ऑफ कर देंगे दोस्तों। अभी डिलीवरी के बिल्कुल तैयार है दोस्तों, अच्छी तरह साफ सफाई करके गत्ते से इसे हम प्रॉपर पैक करेंगे, पैक करके इसको TCI ट्रांसपोर्ट के द्वारा रायपुर के लिए से रवाना करेंगे दोस्तों। पूरा जेनरेटर अच्छी तरह गत्ते से पैक कर दिया दोस्तों, इस तरीके के जनरेटर आप भी अपने यहाँ मंगा सकते हैं दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी होती है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो इंडिया के बाहर भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, हमारे दिल्ली के अलावा दोस्तों कोई भी ब्रांच नहीं है, तो कृपया नक्कालों से बचे और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देख सकते हैं दोस्तों पूरा जेनरेटर पैक हो चुका है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में लोड हो रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।